इकोनॉमिक्स वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पूर्ति की लोच का अध्ययन करेंगे। पूर्ति की लोच। पूर्ति की लोच के अंतर्गत हम पूर्ति की लोच की परिभाषा तथा पूर्ति की लोच की विभिन्न श्रेणियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पूर्ति की लोच क्या होती है? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा का अध्ययन करते हैं। पूर्ति की लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के उत्तर में पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की माप है, या कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से भाग देने से प्राप्त होती है। इसका सूत्र इस प्रकार है, ES बराबर पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन को कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से भाग देने से प्राप्त होती है। अर्थात पूर्ति की लोच की धारणा यह बताती है कि कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति में कितनी कमी या वृद्धि होती है। पूर्ति की लोच की पांच श्रेणियां होती हैं। पहला, पूर्णतः लोचदार पूर्ति ES इजिकल टू इन्फिनिटी। दूसरा, अधिक लोचदार पूर्ति ES ग्रेटर देन 1। तीसरा, इकाई के समान लोचदार पूर्ति ES इजिकल टू 1। बेलोच अथवा कम लोचदार पूर्ति ES लेस देन 1। पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति ES इजिकल टू 0। पूर्णतः लोचदार पूर्ति, जब किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन न हो और उसकी पूर्ति में अनंत परिवर्तन कमी या वृद्धि हो जाए तो उस वस्तु की पूर्ति पूर्णतः लोचदार कहलाती है। इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओ वाई पर हमने वस्तु की पूर्ति की मात्रा को दर्शाया और ओ एक्स पर वस्तु का मूल्य है। ओ पी पर वस्तु का मूल्य यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसमें जो पूर्ति रेखा हमारी SS वो अनंत दिखाई दे रही है, जो कि लगातार ब्लिंक कर रही है। वस्तु की पूर्ति की मात्रा में पहले OQ था परिवर्तन। अगर वस्तु की पूर्ति OQ से घटकर OQ1 हो जाती है और वस्तु की पूर्ति की मात्रा बढ़कर OQ से OQ2 हो जाती है तो हम इसे पूर्णतः लोचदार पूर्ति कहेंगे। अर्थात वस्तु के मूल्य में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये वस्तु का मूल्य तो स्थिर है, लेकिन वस्तु की जो पूर्ति रेखा है उसमें परिवर्तन अनंत देखने को मिल रहा है। यहां से इधर पूर्ति कम हो रही है और यहां से पूर्ति की मात्रा अधिक हो रही है। इसका जो सूत्र है ES बराबर इन्फिनिटी, अर्थात वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन ना होते हुए भी पूर्ति की रेखा में या वस्तु की पूर्ति की मात्रा में अनंत परिवर्तन देखने को मिलता है या कमी होती है या अधिक वृद्धि होती है तो उसे पूर्णतः लोचदार पूर्ति कहते हैं। अधिक लोचदार पूर्ति, जब किसी वस्तु की पूर्ति में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से अधिक या कम होता है तो उसे अधिक लोचदार पूर्ति कहते हैं। इसे हम रेखा चित्र से समझ सकते हैं। प्रारंभ में कीमत OP है और वस्तु की मांग की मात्रा OQ है। अगर कीमत में 15% की कमी होती है, प्रारंभ में कीमत P थी और अब घटकर P1 हो गई, जिसमें यहां से लेकर यहां तक 15% की अगर कमी होती है तो वस्तु की मांग की मात्रा में भी 20% की कमी होगी। अर्थात
वस्तु के मूल्य में परिवर्तन 15% हुआ और वस्तु की मांग की मात्रा में 20% हुआ। इसी प्रकार वस्तु का मूल्य में अगर P से P2 हो जाता है, 15% की वृद्धि होती है, तो वस्तु की मांग की मात्रा में भी 20% की वृद्धि होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर मूल्य बढ़ता है 15% और वस्तु की मांग की मात्रा में जो परिवर्तन आता है उसमें आता है 20%, अर्थात वस्तु के मूल्य की तुलना में वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन ज्यादा होता है। अब हम इन तीनों रेखाओं को B1, B और B2 को आपस में जोड़ेंगे और हमें SS रेखा कहलाएगी, ये जिसको हम बोलते हैं पूर्ति रेखा। इसका सूत्र है ES > 1, अर्थात वस्तु के मूल्य में 15% का अनुपातिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, मतलब कीमत में 15% की कमी या 15% की वृद्धि होने पर वस्तु की मांग की मात्रा में 20% की कमी या वृद्धि होती है तो उसे अधिक लोचदार पूर्ति कहते हैं। इकाई के समान लोचदार पूर्ति, जब किसी वस्तु की पूर्ति में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में उसकी कीमत में परिवर्तन होता है, उस पूर्ति को इकाई के समान लोचदार पूर्ति कहते हैं। इसे हम रेखा चित्र में समझ सकते हैं। प्रारंभ में कीमत OP थी और वस्तु की मांग की मात्रा OQ थी। अब अगर वस्तु की कीमत में 20% की कमी और 20% की अगर वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग की मात्रा में भी 20% की कमी और 20% की वृद्धि होती है। आपने देखा कि प्रारंभ की जो कीमत थी OP और मांग OQ थी, कीमत घटी P2 हुई, वस्तु की मांग की मात्रा OQ1 हो गई। इसी प्रकार वस्तु की कीमत 20% बढ़ी, P से बढ़कर P1 हो गई, तो वस्तु की मांग की मात्रा भी O से OQ2 हो गई। इसका सूत्र है ES = 1, अर्थात वस्तु की कीमत में जो अनुपातिक परिवर्तन हो रहा है वही अनुपातिक परिवर्तन वस्तु की मांग की मात्रा में भी होगा, अर्थात दोनों में परिवर्तन एक समान होगा, उसे हम इकाई के समान लोचदार पूर्ति कहेंगे। बेलोच अथवा कम लोचदार पूर्ति, जब किसी वस्तु की पूर्ति में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो उसको बेलोच अथवा कम लोचदार पूर्ति कहते हैं। चित्र में आप देखिए, प्रारंभिक कीमत OP है तो वस्तु की मांग की मात्रा OQ है। अब अगर वस्तु के मूल्य में 20% की कमी आती है और 20% की वृद्धि आती है तो वस्तु की मांग की मात्रा में भी 15% की यहाँ पर कमी आएगी और 15% की वृद्धि होगी, अर्थात वस्तु के मूल्य में अगर 20% का परिवर्तन हो रहा है लेकिन उसकी मांग की मात्रा में 15% का अंतर आ रहा है तो हम इसको बेलोचदार अथवा कम लोचदार पूर्ति कहेंगे। तीनों पॉइंट को B1, B और B2 को जोड़ने से हमें पूर्ति रेखा प्राप्त होगी और ये रेखा थोड़ा तिरछी होगी और इसका सूत्र है ES > 1, अर्थात वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी या 20% की कमी होगी उसके फलस्वरूप वस्तु की मांग की मात्रा में जो 15% की कमी और वृद्धि होगी तो उसे हम बेलोच अथवा कम लोचदार पूर्ति कहेंगे। पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, जब किसी वस्तु की कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी वस्तु की पूर्ति में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। चित्र के अनुसार आप देखिए, वस्तु के मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन हो रहा है, अर्थात वस्तु का मूल्य P से P2 कम हो रहा है और P से P1 बढ़ रहा है, लेकिन
वस्तु की मांग की मात्रा लगभग स्थिर है, एक खड़ी रेखा के रूप में है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका सूत्र है ES बराबर शून्य, अर्थात वस्तु के मूल्य में वृद्धि होना अथवा कमी होने के बावजूद वस्तु की मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन ना होना पूर्णतः बिलोजदार पूर्ति कहलाता है। अर्थशास्त्र विषय को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को दिए हुए लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।